ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हमने लास्ट टाइम देखा है. अब नेक्स्ट क्लास में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये इंटरेक्शन कैसे होता है ये हम देखेंगे. व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसे हम एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, क्या बोलेंगे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे. क्यों बोलेंगे, क्योंकि एंटीजन जब एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर तभी एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है, इसी वजह से वहां पर बोलेंगे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है एग्जैक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है ये हम देखेंगे. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, किसकी ब्रांच है ये, इट इज अ ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच तो है लेकिन हम किसके अंडर ये पढ़ रहे हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. इट इज अ ब्रांच ऑफ, ये किसकी ब्रांच है, इम्यूनोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटीजन, विच डील्स विद स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट होता है इज नोन एज सीरोलॉजी. क्या बोलेंगे उसे हम, सीरोलॉजी. व्हाट इज सीरोलॉजी, सीरोलॉजी इज नथिंग बट द, इट इज अ ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सीरोलॉजी. क्या बोलेंगे उसे हम, सीरोलॉजी. उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या सीरोलॉजी भी उसे हम कह सकते हैं. अब ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन, हर एंटीबॉडी के लिए मतलब हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी वहां पे प्रेजेंट होती है. अब एंटीबॉडी के लिए देखो यहां पे हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इमेजिन करो ये एंटीजन है, क्या ये एंटीजन, ये स्पेसिफिक एंटीजन. अब यहाँ पे हमारे पास की है लॉक एंड की मैकेनिज्म भी इसे हम कह सकते हैं. अब ये जो है ये एंटीजन है, लॉक मतलब एंटीजन, हमारे हाथ में क्या है यहाँ पे एंटीबॉडी. अब ये लॉक है तो यहाँ पे ये चाबी जो है ये की जो है इसे लगेगी क्या, इसका साइज देखो लॉक का साइज और की का साइज, यहाँ पे लगेगा क्या, नहीं. मतलब जैसे यहाँ पे लॉक के लिए हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है उसी तरह यहाँ पे क्या होगा एंटीजन के लिए हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है. देखो ये लॉक और की मैकेनिज्म, यहां पे जैसे एक बाइंडिंग साइट होती है वैसे ही एंटीबॉडी के ऊपर भी एक एंटीजन को बाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर साइट होती है. ये की जो है ये परफेक्ट की और ये यहाँ पे मैच हो रही है बराबर, यहाँ पे ये लग रही है. अब ये सेकेंड की देखो यहाँ पे ये लगती है क्या, यहाँ पे नहीं लग रही, ये भी काफी बड़ी है. इसी तरह हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक क्या होती है एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी होती है और उस एंटीबॉडी के ऊपर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है जिस बाइंडिंग साइट के ऊपर वो अटैच होता है या बाइंड होता है. अब देखो यहाँ पे हमने बोला है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर यहां पे दिया आपके किताब के हिसाब से, ऑब्जर्व करो वो स्ट्रक्चर. एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, एंटीबॉडी बाउंड टू एंटीजेनिक डिटरमिनेंट. अब देखेंगे हम यहां पे आगे ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन. ये जो एंटीजन है यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट होती है, मतलब जो साइट
एंटीबॉडी को अटैच होती है दैट इज नोन एज एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, उसे क्या बोलते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, ये साइट और ये साइट एंटीबॉडी को बाइंड होने वाली साइट दैट इज नोन एज एंटीजेनिक डिटरमिनेंट और दैट साइट इज ऑल्सो नोन एज एपिटोप्स, उसे क्या कह सकते हैं एपिटोप्स भी उसे हम कह सकते हैं। देन उसके बाद रिएक्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी कॉल्ड पैराटोप्स, मतलब जो पार्ट ये देखो यहां पे हमने बोला है ये लॉग मतलब एंटीजन है, इस एंटीजन के ऊपर एक ऐसी साइट होती है ये साइट, यहां पे जो होल दिख रहा है ये साइट, दैट साइट इज नोन एज एपिटोप्स, उसे क्या बोल सकते हैं एपिटोप्स, एपिटोप्स दैट इज अ पार्ट ऑफ एंटीजन, कौन सा पार्ट जो बाइंड होने वाला है एंटीबॉडी को, और सेकेंड दैट इज द ये की यहां पे है ये स्मॉल की यहां पे दैट इज द एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी के ऊपर भी एक पर्टिकुलर साइट होती है कौन सी दैट इज द पैराटोप्स, उसे हम कह सकते हैं मतलब जिस साइट के ऊपर वो एंटीजन बाइंड होता है दैट इज नोन एज पैराटोप्स, ये पैराटोप्स क्या है ये पैराटोप्स, मतलब एंटीबॉडी के ऊपर भी एक स्पेसिफिक साइट होती है टू बाइंड द पर्टिकुलर एंटीजन दैट इज नोन एज पैराटोप्स, द एंटीजन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड ऑन वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने देखा है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने देखा है, उस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में एक रीजन होता है कौन सा वेरिएबल रीजन, अब वेरिएबल रीजन मतलब कौन सा रीजन, ये देखो यार लास्ट टाइम हमने ये एंटीबॉडी का भी स्ट्रक्चर देखा है, इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व जब करते हैं तब यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हीवी चेन, दैट वेरिएबल रीजन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग द एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब वेरिएबल रीजन में ही क्या होता है एंटीबॉडी को एंटीजन को बाइंड करने के लिए रीजन होता है, दैट्स व्हाई दैट रीजन इज नोन एज वेरिएबल रीजन, इस रीजन को हम वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, स्मॉल वेरिएशन इन द वेरिएबल रीजन मेक ईच एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन, यहाँ पे जो वेरिएबल रीजन है एंटीबॉडी के अंदर, हर एंटीबॉडी के अंदर जो भी वेरिएबल रीजन होता है यहाँ पे अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे हमने बोला है यहाँ पे ये एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के अंदर ये देखो ये एंटीबॉडी है, यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है, इसका बाइंडिंग साइट अलग, ये एक एंटीबॉडी ये सेकेंड एंटीबॉडी इसका बाइंडिंग साइट अलग, ये थर्ड एंटीबॉडी इसका बाइंडिंग साइट अलग, मतलब हर एंटीबॉडी के अंदर जो बाइंडिंग साइट होती है पैराटोप्स जो होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट एंटीजिन, अलग अलग एंटीजिन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इसीलिए। देन उसके बाद वेरिएबल रीजन मेक ईच एंटीबॉडी इज हाईली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन, इसी वजह से हर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, द वेरिएबल रीजन एनेबल द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजन एंड बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन इन अ लॉक एंड की मैनर फॉर्मिंग एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसी वजह से यहाँ पे लॉक एंड की मैकेनिज्म बोला गया है, क्योंकि हर ये एंटीजन है लॉक मतलब एंटीजन और की मतलब एंटीबॉडी, हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे आपकी किताब में यहाँ पे मेंशन किया है, ये देखो ऑब्जर्व कर रही है ये एंटीजन, ये क्या है एंटीजन, इस एंटीजन को अटैच होने के लिए देखो ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी यहाँ पे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, मतलब एंटीजेनिक डिटरमिनेंट मतलब कौन सा साइट किसका साइट एंटीजन के ऊपर बाइंडिंग साइट जो होता है पैराटोपिटोप्स, देन उसके बाद ये क्या है ये वाई शेप जो है ऊपर वेरिएबल रीजन है लाइट और हेवी चेन का, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर सॉकेट होता है उसी के अंदर ये फिक्स होता है दैट इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट, जैसे यहाँ पे हमने बोला है लॉक एंड की मैकेनिज्म, इस लॉक के लिए ये एक स्पेसिफिक की है जो आर्टिकुलेट हो रही है, दूसरी की यहाँ पे अगर हम लगाना चाहते भी है तो यहाँ पे बाइंड होगा क्या नहीं होगा, ये बाइंड प्रॉपर वे से नहीं होगा, अगर यहाँ पे हम ये लॉक है इस लॉक को निकालने के लिए ये की हम यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये की जब यूज करेंगे तब ये लॉक क्या होगा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दूसरी अगर एंटीजन एंटीबॉडी अगर अटैच करेंगे तो ये लॉक
निकलेगा नहीं, बराबर। दिस इज ओवर अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एंटीजन ऑन ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं यह देखने वाले। अब व्हाट इज मीन बाय एंटीजन ऑन ब्लड सेल। हमारे ब्लड सेल में अलग अलग एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, वो हम ऑब्जर्व करेंगे, वो हम देखेंगे। तो कौन से एंटीजन? एंटीजन तो हमने बोला है कि ये टॉक्सिक है। एंटीजन क्या है? कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जब इन्फेक्ट करता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्ट करता है, तो वो वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है आपके बॉडी के अंदर, क्या एंटर करता है? विच एंटर, क्या एंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर? विच एंटर एंटीजन, वो एंटीजन क्या करेगा? एंटर करता है। अब एंटीजन क्या हमने बोला है? ये टॉक्सिक है, हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज, वहां पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब एंटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर सेवरल नोन एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। दीज एंटीजन गिव राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। सेवरल एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड सेल, दैट इज द आरबीसीज। आरबीसीज में ये काफी सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, विच रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप। इसी वजह से यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट कौन करता है? एंटीजन। वो एंटीजन कहां पे होते हैं? आरबीसी, मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स में वो प्रेजेंट होता है। उसी से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग का हम ब्लड ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी जेनेटिकली डिटर्मिनेंट ब्लड ग्रुप्स, मतलब अलग अलग जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे वो इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सिस्टम लाइक एबीओ, आरएच, डफी, किड, लिवाइस एंड पीएमएनएस, मतलब अलग अलग वे से ब्लड ग्रुप अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया है? शो किया या डिटेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे एक्सेप्टेबल है, कौन सी है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। That ABO blood group system, ये जो ABO blood group system है, ये widely accepted है blood group detect करने के लिए। कौन सी टेक्निक? अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टेक्निक डेवलप की, लेकिन आउट ऑफ दैट ABO blood group system ये मोस्ट पॉपुलर भी है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी है। द ABO blood group system were discovered by Carl Landsteiner। ये कार्ल लैंडस्टेनर ने फर्स्ट टाइम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये क्या किया? ऑब्जर्व किया, मतलब एक्सप्लेन किया, सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया इन 1900। बराबर, यहां पे 1900 में ये ऑब्जर्व किया है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देन उसके बाद कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में ए, बी एंड ओ ये ब्लड ग्रुप क्या किया उन्होंने? एक्सप्लेन डिटेक्ट। उसके बाद उनके साथ जो को वर्कर था, मतलब उनका जो स्टूडेंट था, दैट इज डी कैस्टेलो एंड स्टूरली, ये स्टूरली एंड डी कैस्टेलो इन 1902 उस वक्त उन्होंने ए बी ये ब्लड ग्रुप डिटेक्ट किया। मतलब ह्यूमन के कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? ए, बी, ओ, ये किसने एक्सप्लेन किया? कार्ल लैंडस्टेनर इन 1900। उसके बाद 1902 उस वक्त ए बी ये ब्लड ग्रुप उनके दो स्टूडेंट ने ये एक्सप्लेन किया, मतलब उनके दोनों स्टूडेंट ने ये क्या किया है? डिटेक्ट किया, दैट इज द डी कैस्टेलो एंड स्टूरली, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया। लैंडस्टेनर वॉज ऑनर्ड विथ नोबल प्राइज इन 1930 में
लैंडसेनर को क्या मिला है, नोबल प्राइज मिला है फॉर द डिटेक्शन ऑफ दैट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके डिस्कवरी के लिए यहां पे उसे क्या मिला है, नोबल प्राइज। ही फाउंड टू एंटीजन और एग्लूनेट जीन ऑन सरफेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल। उन्होंने जब ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिटेक्ट किया तब आरबीसीज के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ये उन्होंने डिटेक्ट किया और उसी के बेसिस पे यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सप्लेन किए एंड नेम टर्म एज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और जो भी एंटीजन यहाँ पे ऑब्जर्व किया था उसे नाम दिया है एंटीजन ए एंड बी। एंटीजन मतलब ये नाम दिया है यहाँ पे एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये दोनों नाम उन्होंने दिया है पहले। किसने, कार लैंडसेनर ने, कब, 1900 में, बराबर। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया या एक्सप्लेन किया है, इसके लिए उसे नोबल प्राइज भी, उन्हें नोबल प्राइज भी मिला है। देन एबीओ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ही ऑल्सो नोटिस द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज आर एग्लूटिनिन इन सीरम कॉल्ड ए एंड बी। मतलब उन्होंने ये तो एक्सप्लेन किया कि आरबीसीज में मतलब ब्लड में एंटीजन ए और एंटीजन बी ये प्रेजेंट होती है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडीज, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सीरम, सीरम मतलब प्लाज्मा, क्या ये सीरम में भी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, सीरम में क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ए और बी, तभी जाके यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो ब्लड ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कार्ल लैंडसेनर ने 1900 में एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम डेवलप की है उसका बेस क्या है, आरबीसी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बराबर। कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, सेवरल टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, कहां पे, आरबीसीज के अंदर, कहां पे होते हैं वो, आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। उसके साथ जो प्लाज्मा होता है या सीरम होता है वहां पे करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होती है, दैट इज द ए एंड बी, विच रिप्रेजेंट सिंबल स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ए वेरिएशन दिखना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज ओवर अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।